इस बारे में सोचने की जरूरत है कि प्रतिभाशाली और लोकप्रिय होने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि रंगमंच और नाटकों को जन समर्थन मिलेगा तभी नाटक और कलाकार आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इसके लिए रंजन कला मंदिर जैसे संस्थानों से जागरूकता और प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। रंजन कला मंदिर के अमृत महोत्सव वर्ष का शुभारम्भ नितिन गडकरी द्वारा किया गया, वह उस समय बात कर रही थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मशहूर अभिनेता उपेंद्र दाते ने की। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री जाह्नवी प्रभाकर पंजीकर, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद की केंद्रीय शाखा के उपाध्यक्ष नरेश गाड़ीकर, सलाहकार रमन सिराड, संजय पिंड से प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सीतामढ़ी में भिड़े गर्ल स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन कुंडल हॉल में किया गया। गडकरी ने कहा कि प्रभाकर पनाशिकर और दर्विकर मास्टर जैसे कलाकारों ने साबित कर दिया है कि अगर कलाकार और कलाकृति में क्षमता है तो जनता का समर्थन भी है। ऐसे नाट्य संस्थाएं भी जीवित रहेंगी और रंगमंच आंदोलन भी जीवित रहेगा। मैं उन लोगों से जो पीछे से नाटक और सामने से फिल्में देखते थे, प्रभाकर पंशिकर और दर्विकर मास्टर की स्मृति को कभी मिटा नहीं जा सकता। ये मैं नहीं, इन दोनों ने ओशल डेट हियर, कट्यार कारजात खुली जैसे स्तरीय नाटक दिए हैं, उन्हें आज भी याद किया जाता है, यह उनकी सफलता है। उन्होंने ये भी बताया कि धनवटे अटल जी को ती फुलरानी नाटक दिखाने के लिए रंग मंदिर लेकर आए थे और उन्हें नाटक बहुत पसंद आया था। उन्होंने ये भी कहा कि मराठी नाटक सिनेमा और कविता के मामले में महाराष्ट्र की तुलना देश में केवल बंगाल से की जा सकती है। जो कलाकार समर्पण भाव से काम करते हैं उनका आर्थिक आधार कमजोर होता है, फिर ऐसी संस्थाएं गायब हो जाती है, इसलिए लोकाश्रय आवश्यक है। मेहनत करने वाला व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता है क्योंकि उन्हें कला की लत है, इसलिए मैं हमेशा सभी को कहता हूँ कि टिकट खरीदकर नाटक देखें। कलाकार के श्रम का मुफ्त में आनंद देना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं भी टिकट खरीदता हूँ और नाटक देखता हूँ, ऐसा गडकरी ने कहा। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि साहित्यकार जीवन भर सम्मान के साथ कैसे जी सके, तभी आंदोलन टिकेगा। आज दर्विकर मास्टर नहीं रहे, मनोहर मैसालकर नहीं रहे, मैसालकर साहित्य संघ के स्तंभ थे, उन्होंने कई वर्षों तक साहित्य संघ का संचालन किया। अब नया नेतृत्व तैयार करना होगा, नई प्रतिभा के लोगों को तैयार करना जरूरी है। बड़े लेखकों निर्देशकों को नई प्रतिभाओं के पीछे खड़ा होना चाहिए, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि स्वामित्व के साथ काम करने वाले लोग तैयार रहे, ऐसा गडकरी ने व्यक्त किया। 15 दिन पहले मैं कर्नाटक के निपानी गांव गया था, वहां डॉक्टर प्रभाकर कोरी के बड़े संगठन है, डॉक्टर कोरी का अभिनंदन किया गया, 50,000 लोग मौजूद थे। जब मैं बोलने खड़ा हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि मराठी में बोलो, कुछ ने कहा कि हिंदी या अंग्रेजी में बात करो। मैंने मजाक से शुरुआत की कि निपानी का नाम प्रभाकर पंचीकर के मुंह से बार बार सुना है। नाटक टू मी नए में उन्होंने अंत में कहा कि मैं निपानी का तंबाकू निर्माता हूँ, हर प्रसंग में मैं इसे आज भी नहीं भूला हूँ, ऐसा गडकरी ने कहा। मुझे पता चला कि डीडी पुरुषोत्तम दर्विकर शहर के स्कूल में अध्यापक थे। 1969 में जब शताब्दी वर्ष था तो शिक्षकों ने देव नहीं देवरायट नाटक का मंचन किया। मास्टर्स द्वारा निर्देशित नागपुर को दर्विकर मास्टर पर बहुत गर्व है। इस शताब्दी में मराठी नाटक के क्षेत्र में यदि किसी ने सबसे अधिक योगदान दिया है तो वह दर्विकर मास्टर ने है, इसलिए मैं रंजन कला मंदिर के अमृत महोत्सव के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने में सक्षम होने के लिए भाग्यशाली महसूस करता हूँ, ऐसा गडकरी ने कहा। नागपुर के भूमिपुत्र ने मराठी थिएटर में बड़ा नाम कमाया है, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने कई कलाकार तैयार किए हैं। कारण कुठलाही कलाकार जो असतो त्याची त्याचा कलेची जेव्हा आपण अनुमती घेतो ती आपल्या हृदयात जात असते, म्हणजे तो मी नवेच असेल, इथे ओशाळला मृत्यू असेल, कट्यार काळजात घुसली असेल, किंवा उपेंद्र दातेंच्या याच्यात गोवा हिंदू असोसिएशन आणि नाट्य संपदा या दोघांनी एवढी दर्जेदार नाटकं दिली की आमच्या लहानपणी आम्ही ती धनवट रंगमंदात बघून एकदा मी ती फुलराणी नाटक बघण्याकरता अटल बिहारी वाजपेयींना घेऊन आलो होतो, त्यावेळी सतीश दुभाषी आणि भक्ती बर्वे त्याच्यामध्ये होत्या, अटलजींना खूप आवडलं ते नाटक आणि हे नाटकाचा अजूनही इम्पॅक्ट आहे। एक विनोदी घटना सांगतो, मी एक 15 दिवसापूर्वी कर्नाटकमध्ये, आता कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर निपाणी गावात गेलो होतो, तिथे डॉक्टर प्रभाकर कोरे जे आहेत त्यांच्या मोठ्या संस्था आहेत, 3-4 मेडिकल कॉलेज आहेत, 15-20 इंजिनिअरिंग, 1.5 लाख मुलं शिकतात, तर त्यांचा सत्कार होता आणि कार्यक्रम होता आणि ज्यावेळी मी त्या कार्यक्रमाला गेलो 50,000 लोक होते आणि मी बोलायला उभं राहिल्यावर आधे म्हणाले तुम्ही मी मराठीत बोला, आता मी मराठीत बोलायला लागलो तर दुसरे लगेच अर्धे लोक म्हणाले नाही नाही
मराठी नाही, तुम्ही इंग्लिशमध्ये बोला, हिंदीत बोला, त्यामुळे मला कशात बोलावं ते कळत नव्हतं. तर मी गमतीने सुरुवात केली की मला निपाणीचं नाव फक्त एकदाच लक्षात राहिलं. त्यावेळी मी तो मी नवेच नाटक बघितलं. त्यावेळी प्रभाकर पणशीकर दरवेळेला प्रत्येकाच्या शेवटी म्हणायचे, मी तर निपाणीचा तंबाखूचा व्यापारी लक्कप्पा निजलिंग अप्पा लोखंडे. अजूनही ते वाक्य मी विसरलो नाही. कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट. सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर. सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट बेसा नागपुर. अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी. कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999. सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज.